Hello student, our today's topic is introduction of inverse trigonometry function practice. Last time humne discuss kiya what is 1-1 function, what is onto function, how to find inverse, then according to sine graph humne sine ko 1-1 onto function prove karke sine inverse find kiya. तो थोड़ा रिकॉल करके आज हम ये जो हमने लास्ट टाइम बेसिक किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का उस पर डिपेंडेंट सम करेंगे. तो लास्ट टाइम का टॉपिक हमारा था वो प्रॉपर बेस था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए. तो हमने क्या डिस्कस किया था, बेसिकली हमने 24 एक फंक्शन की फोर फॉर्मूला, ऐसे हमने 24 फॉर्मूला की थी. अब वो फोर फॉर्मूला के लिए सिक्स फॉर्मूला आना जरूरी है, तो वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हमने साइन लिया था, साइन फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन. एंड दिस डोमेन साइन इज 1-1 फंक्शन एंड इन दिस को डोमेन साइन इज ऑन टू फंक्शन. इफ साइन इज 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन देन इनवर्स पॉसिबल एंड द इनवर्स इज साइन इनवर्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस 1-2 1-2 क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2-2 पाई बाय 2. मीन्स वेन वी know what is sine, close interval minus pi by 2 to pi by 2 to close interval minus 1 to 1. So when we find inverse, domain becomes range and range becomes domain. Now after this, yani humko sine aa gaya to sine inverse automatic aana hi aana hai. After this, sine of sine inverse x, the answer is x and x belongs to close interval minus 1-1. Sine of sine inverse of sine x that is equal to x, x belongs to close interval minus pi by 2 to pi by 2. अब जब हमको sine आ रहा है, जब हमको sine inverse आ रहा है, तो ये formula हर एक function में same बनेगी. साइन की जगह पर कॉस आ जाएगा, साइन इनवर्स की जगह पर कॉस इनवर्स आ जाएगा, टेन की जगह पर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स साइन इनवर्स की जगह पर टेन इनवर्स. तो यही फॉर्मूला हमारी आगे जाके बनने वाली है. तो ये जो फॉर्मूला है वो तो सेम टाइप में रहेगी, सिर्फ कंडीशन चेंज होगी. तो ये कंडीशन चेंज होने के लिए भी मैंने एक सेंटेंस बोला था, इनर डोमेन टू आउटर रेंज, अंदर के डोमेन से बाहर की रेंज अगर सेम है तो वो ही कंडीशन में जा रही है. ध्यान से देखो, इनर डोमेन आउटर रेंज, तो यही कंडीशन आ रही है. इनर डोमेन आउटर रेंज, यही कंडीशन आ रही है. तो ऐसे हमको 24 फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, कभी भी उसका यूज हो सकता है. तो बेसिकली साइन के बाद हम जाएंगे कॉस. अब मैं ओरली डिस्कस करूंगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. द कॉस इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 टू पाई टू क्लोज इंटरवल माइनस 1-1. आपको पता है कॉस इनवर्स क्या होगा, दैट इज माइनस 1-1 क्लोज इंटरवल टू 0-π क्लोज इंटरवल. कंडीशन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. तो यहां पर ये एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू यू नो वेरी वेल क्लोज इंटरवल माइनस 1-1 इनर डोमेन टू आउटर रेंज एक्स. X belongs to close interval 0-π. Now after this, 10. अब जब 10 याद करना है तो थोड़ा साइन को याद कर लो. साइन की साइन का जो डोमेन है वो ही यहां पर ओपन इंटरवल के साथ होगा, ऐसे करके विथ कनेक्टेड आपको याद रखना है.
तो टेन फ्रॉम ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एंड द रेंज ऑफ टेन इज आर। आप बुक के अंदर टेन का ग्राफ रिफर करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये डोमेन इसका ओपन इंटरवल क्यों है और उसकी रेंज आर क्यों है। नाउ फ्रॉम दिस टेन इनवर्स हमारा होगा आर टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एंड जो हमारा फॉर्मूला है वो एज इट इज सिर्फ फंक्शन चेंज होंगे एक्स इनर डोमेन टू आउटर रेंज दैट इज बिलोंग्स टू आर देन टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स टू एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। वैसे ही हम जाएंगे कॉट में, कॉट के लिए याद रखना है जो डोमेन कॉस का है वही डोमेन कोट का होगा लेकिन वो ओपन इंटरवल में हो जाएगा। ग्राफ देखने से आपको आइडिया आ जाएगा 2r एंड कॉट इनवर्स दैट इज r टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई एंड ओवर हियर दैट इज यहां पर हम लेंगे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x तो इक्वल्स टू x बट बताने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे करके x बिलोंग्स टू r हुआ, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं इनर डोमेन टू आउटर रेंज वो होती है कंडीशन। अलग अलग कंडीशन अगर आप याद करने गए तो बहुत लंबा खींच जाएगा। आपको मेन फंक्शन याद रखना है साइन कॉस टेन कॉट तो इनवर्स अपने आप याद आ जाएगा क्योंकि इनवर्स में डोमेन रेंज बनता है और रेंज बनता है डोमेन। एंड फॉर दिस फॉर्मूला जो हर एक फंक्शन की दो दो फॉर्मूला है उसकी कंडीशन याद रखने के लिए इनर डोमेन टू आउटर रेंज। नाउ आफ्टर दिस सेक फंक्शन का जो डोमेन है वो सेक बनता है कॉस से तो सेक का जो डोमेन है वो बनेगा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बट सेक की फॉर्मूला होती है 1 अपॉन कॉस और यहां पर 1 अपॉन कॉस ये इंटरवल में 0 होने के चांसेस है, कॉस पाई बाई टू 0 होता है तो यहां से हमको जहां पर फंक्शन को तकलीफ होगी वो पार्ट निकाल देना है। तो सेक को डिफाइन करने के लिए कॉस 0 नहीं चाहिए तो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में से हम पाई बाई टू निकाल देंगे और अकॉर्डिंग टू सेक ग्राफ उसका जो ऑन टू फंक्शन होगा वो होगा कोडोमेन के लिए रेंज के लिए आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 टू 1। सेम वे हम सेक इनवर्स डिफाइन करेंगे डोमेन आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 टू 1 2 क्लोज इंटरवल 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू। ये कंडीशंस आपको लर्न बाय हार्ट हो जानी चाहिए। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स द आंसर इज एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 टू 1। सेम वे हम सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स भी देखेंगे तो होगा आंसर एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई टू माइनस पाई बाई टू। सेम वे आप कॉसेक को डिफाइन करोगे कॉसेक दैट इज सेम एज साइन दैट इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू बट कॉसेक की फॉर्मूला होती है 1 अपॉन साइन, साइन 0 नहीं चाहिए तो यहां से 0 निकालना पड़ेगा 2 आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 टू 1। और आगे आपको पता है हमने 5 फंक्शंस में ये एक चीज डिक्लेयर कर रखी है। तो स्टूडेंट ये बेसिक हमने लास्ट टाइम किया था, सबसे पहले 1 1 क्या है वो डेवलप किया था, ऑन टू क्या है वो डेवलप किया था, इनवर्स के अंदर कैसे करके कंडीशन मिलेगी वो डेवलप किया था और फिर हमने ग्राफ साइन का ग्राफ साइन के ग्राफ की हेल्प की मदद से हमने ये चीज फाइंड किया था कि कैसे करके बनता है। नाउ आज के टॉपिक में इसके साथ
हमको 0 टू 90 डिग्री का टेबल आना चाहिए, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक क्या वैल्यूज है वो याद होनी चाहिए आपको, वो लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। मैंने असाइनमेंट में वो चीज लिख रखा है, वो टेबल हमने लिखा हुआ है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट टेबल और एक प्रॉपर्टी हमको एडवांस में आनी चाहिए। प्रॉपर्टी टॉपिक हमारा इसके बाद का वीडियो है, लेकिन एक प्रॉपर्टी हमको एडवांस में आनी चाहिए जो अभी हम सीख रहे हैं। तो इसके साथ हमको क्या आना चाहिए प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन जैसे है वैसे ही दूसरे दो फंक्शन बन रहे हैं। साइन का जो इनवर्स है वो कॉसेक है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स दैट इज माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, और टेन इनवर्स माइनस एक्स दैट इज माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है उसका हमको प्रूफ चाहिए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली हमको जो प्रॉपर्टी है उसमें से ये वाली प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और जैसे साइन इनवर्स है वैसे ही कॉसेक और वैसे ही टेन रिएक्ट करता है, टेन इनवर्स रिएक्ट करता है। हाउ, तो इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं। सबसे पहले सपोज करना है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब यहां से हम अगर माइनस एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं तो माइनस एक्स इक्वल टू ये होगा साइन वाई, माइनस एक्स इक्वल्स टू ये होगा माइनस माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई। ये साइन को पकड़ के हम यहां पर लेकर आएंगे। तो अब एक्स को प्रिंसिपल अगर बनाएंगे हम तो एक्स इक्वल्स टू होगा माइनस साइन वाई, एक्स इक्वल्स टू होगा माइनस साइन वाई। अब एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन वाई हुआ तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस वाई। आपको अगर याद होगा तो साइन ऑड फंक्शन है, और वेन एवर फंक्शन इज ऑड तो ऑड फंक्शन की फॉर्मूला होती है साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहां पर हम इनवर्स का प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन इनवर्स के प्रूफ को सपोर्ट करेगा 11 स्टैंडर्ड में जो ऑड इवन फंक्शन आता है वो। तो यहां पर साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन वाई दैट इज इक्वल टू साइन माइनस वाई। अब यहां से अगर हम साइन इनवर्स साइन को इस तरफ लेकर आते हैं यानी माइनस वाई को प्रिंसिपल बनाते हैं तो माइनस वाई इक्वल टू ये होगा साइन इनवर्स एक्स, और माइनस को वापस इस तरफ लेते हैं तो वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हुआ। ये वाई की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हुआ। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, याद रखनी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स अकॉर्डिंग टू साइन कॉसेक और टेन भी सेम रिएक्ट करता है। और आया कैसे उसका मैंने प्रूफ दिया है जिसमें मैंने ऑड फंक्शन का यूज किया हुआ है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई, साइन इज ऑड फंक्शन सो माइनस साइन वाई बिकम साइन माइनस वाई। नाउ माइनस वाई को सब्जेक्ट बनाया है तो माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, माइनस को ये तरफ ले जाके वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो हमारा प्रूफ हमको मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, इसके दूसरे तीन फंक्शन है जो हम बता रहे हैं। नाउ प्रॉपर्टी के नेक्स्ट थ्री पार्ट्स हैं, कॉस
इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और जैसे कॉस इनवर्स रिएक्ट करता है वैसे ही सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। नाउ स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी जो है इसका यूज हम बेसिक सम्स में करेंगे, और वो करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी एडवांस में ले ली है। नाउ इसका हम प्रूफ देंगे। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सो माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस y होगा, सो x इक्वल्स टू दिस इज माइनस कॉस y। अब x इक्वल्स टू ये जो कॉस y है वो है इवन फंक्शन, यानी माइनस y इवन फंक्शन का मतलब होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहां पर माइनस कॉस वाई ऑड इवन से हम सेट नहीं कर सकते हैं, तो वो करने के लिए हम क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो ये जो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई है उसको हम लिख सकेंगे कॉस पाई माइनस वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस पाई माइनस वाई दैट इज माइनस कॉस वाई। नाउ आफ्टर दिस हम जो है पाई माइनस वाई को प्रिंसिपल बनाएंगे, तो पाई माइनस वाई इक्वल्स टू दिस इज कॉस इनवर्स एक्स। नाउ यहां से हम वाई को प्रिंसिपल बनाएंगे तो वाई इक्वल टू सब्जेक्ट बनाएंगे तो वाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहां पर हम वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और जैसे कॉस इनवर्स रिएक्ट करता है वैसे ही रिएक्ट करता है सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले 24 फॉर्मूलास की है जो डिपेंड करता है 1-1 और ऑन टू फंक्शन में साइन कॉस एक्सेट्रा के लिए। उसके बाद हमको 0 टू 90 डिग्री का टेबल आना चाहिए, और उसके बाद हमको आना चाहिए ये वाली प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट हम सम्स करेंगे, तो वो हो गया हमारा ये जो बेसिक फॉर्मूला है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस। अब इसकी प्रैक्टिस कौन से टाइप की है, तो हमारा जो चैप्टर 2 है उसकी 2.1 एक्सरसाइज है। 2.1 एक्सरसाइज में मेजोरिटी टाइप के सम ये इस पर डिपेंड करता है अभी तक जो हमने किया उस पर, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज हमको कोई सम आता है साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स -1/√2। तो स्टूडेंट याद करना है साइन थीटा या साइन इनवर्स थीटा उसमें माइनस अलाउ नहीं है, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा हो या साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा हो, ये माइनस अगर अंदर होगा तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो अगर वो साइन फंक्शन है तो उसका माइनस दूर करने के लिए ऑड इवन फंक्शन है, अगर वो इनवर्स है तो वो इनवर्स दूर करने के लिए हमने जो अभी प्रॉपर्टी की है वो प्रॉपर्टी है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू ऑड इवन फंक्शन, दिस इज द ऑड फंक्शन माइनस साइन थीटा, एंड साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा अभी जो प्रॉपर्टी की है वो प्रॉपर्टी के हिसाब से माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहां पर सबसे पहले जो साइन इनवर्स माइनस है उसको हम सेटिस्फाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल माइनस साइन इनवर्स 1/√2। नाउ साइन इनवर्स 1/√2 उसको हम बेसिकली वो फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट सीखे थे उससे हैंडल कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हैंडल कर सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू पेपर में लिखने के लिए डायरेक्ट ही करेंगे, लेकिन उसका एक इनडायरेक्ट फॉर्म भी आपको मैं बताऊंगा।
तो ये हो गया माइनस। अब साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, तो आपको देखना है 0 to 90 डिग्री के टेबल के अंदर कि साइन की कौन सी वैल्यू, साइन थीटा, थीटा की कौन सी वैल्यू आपको साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू दे सकती है। तो दैट द वैल्यू इज पाई बाय फोर, तो द आंसर इज माइनस पाई बाय फोर। कौन सी वैल्यू, कौन सा थीटा जो है वो आपको वन अपॉन रूट टू साइन के टर्म में दे सकता है, तो दैट इज माइनस पाई बाय फोर। अब इनडायरेक्ट इसका क्या है, अगर हमको इनडायरेक्ट ये करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू तो लिखेंगे, उसके बाद माइनस साइन इनवर्स, अगर आउटसाइड साइन है तो इनसाइड साइन वाला फंक्शन होना चाहिए, तो वन अपॉन रूट टू इन टर्म्स ऑफ साइन वो होगा साइन पाई बाय फोर। अब ये करने के बाद हम वो वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज पाई बाय फोर। व्हाई इट इज पाई बाय फोर? बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स equals to x when x belongs to close interval minus pi by 2 to pi by 2. तो ये वाले फॉर्म का यूज करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन pi by 4 तो minus pi by 4 होगा, because pi by 4 belongs to close interval minus pi by 2 to pi by 2. तो आप इनडायरेक्टली ये फॉर्म में भी जा सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्म थोड़ा लेंथी रहता है, तो डायरेक्टली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। वैसे ही आगे हम जाएंगे तो हम आगे जाएंगे कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू में, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू में। तो कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू क्या होता है वो देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको देखना है माइनस अलाउ नहीं है, तो वो होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू, पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू। नाउ पाई माइनस कौन से थीटा के लिए कॉस की वैल्यू वन बाई टू मिल रही है, तो द आंसर इज पाई बाई थ्री मिलेगा। पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू वन बाई टू होगी, तो दिस इज पाई बाय थ्री। सो द आंसर इज 2π/3, सिंप्लीफाई करेंगे तो। वैसे ही ये टाइप का कोई भी सम हो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो यहां पर एक ज्यादा सम हम ले लेते हैं, जैसे कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। तो सबसे पहले आपको माइनस को सेटिस्फाई करना है, तो दिस इज माइनस कॉसेक इनवर्स रूट टू। नाउ कॉसेक इनवर्स रूट टू की वैल्यू माइनस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर के लिए उसकी वैल्यू होगी माइनस पाई बाय फोर के लिए कॉसेक इनवर्स रूट टू वैल्यू मिलेगी, तो माइनस पाई बाय फोर। अब सारे सम हमने माइनस में किए तो समटाइम्स हमको टेन इनवर्स रूट थ्री वाला सम आता है, टेन इनवर्स रूट थ्री वाला सम आता है, तो हम क्या करते हैं इसमें लिखते हैं माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री। भाई माइनस तब आएगा जब हमको अंदर माइनस है, अगर अंदर के पार्ट में यानी थीटा की जगह पर माइनस नहीं है तो वो टेन इनवर्स रूट थ्री ही होगा। तो स्टूडेंट इट इज वेरी क्लियर, जब माइनस अंदर होता है, साइन इनवर्स माइनस हो या कॉस इनवर्स माइनस हो, तब वो माइनस को सेटिस्फाई करना है। लेकिन साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो, तो डायरेक्टली अप्लाई करना है, तो टेन इनवर्स रूट थ्री, तो वो टेन इनवर्स रूट थ्री रहेगा, उसमें माइनस प्लस कुछ भी नहीं होगा, एंड द वैल्यू इज पाई बाई थ्री। तो ये टाइप का सम आने के मेजोरिटी चांसेस होते हैं, थोड़े लॉन्ग फॉर्म में ये वाले सम आ सकते हैं, तो आपको प्रॉपरली एक बार ये मेथड आ गई तो कोई भी लॉन्ग सम आप इजीली सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, जैसे प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू।
अब ये सब आपके पास आ गया तो आप क्या करोगे ये सब के लिए? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले माइनस को सेटिस्फाई करोगे, तो यहां पर ये टेन इनवर्स वन हो गया, प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू मीन्स इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू, एंड साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू दैट इज माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू। अब ये प्लस माइनस सेट करने के बाद पर्टिकुलरली उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सम इजीली हो जाएगा। जैसे यहां पर टैन इनवर्स वन पाई बाई फोर हो रहा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू अभी हमने परफॉर्म किया है दैट इज टू पाई बाई थ्री, एंड साइन इनवर्स वन बाई टू विथ माइनस दैट इज पाई बाई सिक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई देंगे, सिंप्लीफाई देने से इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा थ्री पाई बाई फोर। तो स्टूडेंट ये हमारी बेसिक प्रैक्टिस हो गई, बेसिक प्रैक्टिस जिसमें हमने डेफिनेशन साइन कॉस टैन इनवर्स की डेफिनेशन यूज करके डेवलप किया, जहां पर हमने एक प्रॉपर्टी सीखी और ये हमारा बेसिक पर डिपेंडेंट सम हो गया। नाउ ये फॉर्मूला पर डिपेंडेंट एक और टाइप है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सपोज ये टाइप का सम आ रहा है टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब यहां पर देखोगे तो आपको टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स फॉर्म दे रखा है, लेकिन एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो इक्वेशन जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करती है। तो फॉर्मूला विद कंडीशन आना जरूरी है, ये सब हम इसलिए ले रहे हैं कि यहां पर हमको जो कंडीशन के साथ में हमको फॉर्मूला लर्न करनी है उसका इंपॉर्टेंस पता चले। तो ये फॉर्मूला अभी यहां पर वैलिड नहीं है तो उसको वैलिड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो tan इनवर्स tan ये जो 3 पाई बाई 4 है उसमें हम उसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4। 11 स्टैंडर्ड में ये हमने किया हुआ है, इस पर कॉन्सेंट्रेशन करना है। क्वाड्रेंट में जो इनवैलिड वैल्यू है उसको कन्वर्ट करनी है। Now this is quadrant second. In second quadrant, tan negative function never change. Minus tan pi by 4. 11 standard में ये हमने काफी time orally repeat किया हुआ है, लिखकर किया हुआ है। Quadrant second, tan negative function never change. Minus tan pi by 4. Now according to property, this is minus tan inverse tan pi by 4. अब ध्यान से देखो तो जो x की वैल्यू है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, सो द आंसर इज माइनस pi by 4। तो स्टूडेंट इस टाइप का कोई भी सम हो आपको ये टाइप में उसको परफॉर्म करना है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परफॉर्म कर सकते हो। नाउ सपोज एक दूसरा सम मैं ले लू कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स। यहां पर भी आप देखोगे तो ये जो x की वैल्यू है वो कंडीशन है हमारी कॉस के लिए जीरो टू पाई, उसको सेटिस्फाई नहीं कर ली है तो यहां पर उसको हम क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स दैट इज सेवन पाई बाई सिक्स। Now once again यहां पर हम बोलेंगे quadrant, quadrant third, cos negative function never change minus cos pi by 6। अब यहां पर हम देखेंगे according to property ये होगा pi minus cos inverse cos pi by 6। अब देखो ये condition को satisfy कर रहा है तो this is पाई माइनस पाई बाई सिक्स एंड द आंसर इज फाइव पाई बाई सिक्स। तो स्टूडेंट इसका होमवर्क हमने दे रखा है, इसकी समरी दे रखी है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है उसमें हमने
जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन है वो खत्म किया है, प्रॉपरली होमवर्क करना है, प्रॉपरली असाइनमेंट रीड करना है और फॉर्मूला को लर्न करना है, जिससे ये टॉपिक हमारा इजी रहे। आगे के वीडियो में थोड़ा एडवांस लेवल पर हम जाएंगे ये चैप्टर के।